So in this class, we will be discussing cognition. For suppose we have 6 points, A, B, C, D, E, F. मैं आपसे कहूं जनाब कि हमें जो है छह पॉइंट्स को जोड़ना है, तो जनाब ये हमारे पास पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास जो लाइंस बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी? फर्दर और लाइंस बनेंगी हमारे पास, ए से सी की भी लाइन बनेगी, ए से डी की भी लाइन बनेगी, ए से ई की भी लाइन बनेगी, बी से डी की भी लाइन बनेगी, बी से ई की भी लाइन बनेगी, बी से एफ की भी लाइन बनेगी। तो सवाल है हाउ मेनी लाइंस आर देयर। इसी तरीके से हमारे पास सी से ई की भी लाइन बनेगी, सी से एफ की भी लाइन बनेगी, और इसी तरीके से हमारे पास डी से एफ की भी लाइन बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि और कोई लाइन बनेगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म्ड, तो जनाब अगर मैं बताऊं ए से, तो देखें ए से बी बनी, ए से सी बनी, ए से डी बनी, ए से ई बनी, ए से एफ बनी, बी से सी बनी, बी से डी बनी, बी से ई बनी, बी से एफ बनी। अब मुझे जो बी से ए है ना, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सी से डी बनी, सी से ई बनी, सी से एफ बनी, और इसी तरीके से सी से ए मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, और सी से बी जो है इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। काउंट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बी से सी देखें या सी से बी देखें, लाइन एक ही है, नॉन डायरेक्शनल है, ऑब्वियस सी बात है। तो डी से ई, डी से एफ, और जिसमें काउंट नहीं हुई वो कौन सी हैं जनाब? डी से ए काउंट नहीं हुई, डी से बी काउंट नहीं हुई, डी से सी काउंट नहीं हुई, और इसी तरीके से ई से एफ है जनाब, तो जनाब ई से ए काउंट नहीं होगी, ई से बी काउंट नहीं होगी, ई से सी काउंट नहीं होगी, और ई से डी काउंट नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से एफ से ए काउंट नहीं होगी, एफ से बी काउंट नहीं होगी, एफ से सी काउंट नहीं होगी, एफ से डी काउंट नहीं होगी, और एफ से ई काउंट नहीं होगी। सो अगर आपसे हाउ मेनी लाइंस पूछा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक से जो मैंने लिखी हैं वो आपका आंसर होगा। ये बात समझ आती सबको?
मसला इसमें, जबकि ब्लू वाली लाइंस वो सारी की सारी हैं जो डबल काउंट हो गई थी। तो अगर मैं इनकी गिनती करूं तो जनाब ये हैं फाइव, ये हैं फोर, ये हैं थ्री, ये हैं टू और ये है वन, तो टोटल हो गई जनाब 15। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछूं मैं हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म्ड, तो आप आंसर लिखेंगे 15। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है नंबर ऑफ लाइंस निकालने का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास पॉइंट्स ज्यादा हों तो किस तरीके से काम होगा। जनाब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन कॉम्बिनेशन टू। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला ऐसे आया कि मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी सिलेक्शन के मेरे पास हैं 6 ऑप्शंस, और मेरे पास जो सेकंड पॉइंट होगा उसके लिए मेरे पास होंगे 5 ऑप्शंस। जैसा कि आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो अगर मुझे नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो कैसे सॉल्व होगा? ये हो जाएगा जनाब 6 × 5, लेकिन इससे आंसर आ रहा है 30। वो 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि ए से बी और बी से अलग अलग काउंट हो रहा है, जबकि ए से बी, बी से एक ही चीज़ है। ए से सी, सी से ए अलग काउंट हो रहा है, लेकिन ए से सी, सी से ए एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसका मतलब जब कभी हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, जो कि एन सी टू के बराबर भी होता है। तो नंबर ऑफ लाइन्स का आपके पास फॉर्मूला मिल गया एन सी टू। बात समझ में आ गई? सैयद फहम, एस फहम जो भी हैं, मेरे ख्याल माज है, बेटा नाम सही कर लो अपना। बेटा दो से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ए से बी, बी से ए एक ही चीज है, क्योंकि एक वक्त में दो सेलेक्ट हो रहे हैं, लाइन बनाने के लिए दो को सेलेक्ट करना है। हारिस कह रहे हैं दूसरा तरीका दोबारा बता दें। देखो बेटा हमारे पास पहले पॉइंट के लिए 6 ऑप्शन थे, क्योंकि हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कोई सा भी ले लें तो अगले पॉइंट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लाइन्स का मतलब है नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय टू इसलिए करेंगे क्योंकि ए से बी देखें या बी से ए देखें एक ही चीज़ है। तो 30 होंगे पूरे, लेकिन सी से डी और डी से सी एक ही चीज़ है, डबल डबल काउंट हुई हुई है। ई से एफ, एफ से ई एक ही चीज़ है, डबल डबल काउंट हुई हुई है, तो इसलिए हम डिवाइड बाय टू करेंगे। तो इसका मतलब एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, इसको हम एन सी टू भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बता रहा हूं तो जनाब हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन सी टू। हमें नंबर ऑफ
निकालने हो हैंडशेक्स, क्योंकि हाथ भी लो दो लोग मिलाते हैं, तो इसका आंसर भी NC2 आएगा। अगर आपसे पूछें नंबर ऑफ लीग मैचेस कि भाई लीग में कितने मैचेस होंगे, तो उसका भी यही तरीका होगा, NC2। वाजह रहे NC0 जो है 1 होता है, NC1 जो है वो N होता है, NC2 होता है N×N-1 2 फैक्टोरियल, NC3 क्या होता है N×N-1 N-2 3 फैक्टोरियल, NCR और NCN-R बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 C4 कर रहे हो तो ये 12C8 के बराबर होगा, अगर 9C3 कर रहे हो तो 9C6 के बराबर होगा, अगर 10C, यार कौन है भाई ये ओप्पो F5 यार, भाई ये कहाँ से पूछ रहे, जो पिछली स्लाइड थी उसकी बात कर रहे हैं बेटा, वहां से समझाऊं आपको? फिर क्या पूछना है आपको अली सरवर, ये जो अभी करवा रहे हैं देखो बेटा, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि NCR जो है बराबर होता है NCN-R के, मैंने बताया है कि 12C4 जो है वो 12C8 के बराबर है, फिर मैंने बताया है कि 9C3 जो है वो 9C6 के बराबर है, फिर मैंने बताया है कि 10C2 जो है वो 10C8 के बराबर है। बात समझ में आ गई है? ये दोबारा बताऊं, अली सरवर क्लियर है बेटा? मुश्तबा जुबैरी कह रहे हैं रिपीट कर दें। देखो बेटा यहाँ अगर 4 लिखा है तो ये 8 लिखा है, क्योंकि 4+8 जो है वो 12 बनेगा। देखो बेटा अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ मैंने 6 लिखा है, कि 3+6 करूंगा तो 9 बनेगा। बेटा यहाँ अगर 2 लिखा है तो यहाँ मैंने 8 लिखा है, क्योंकि 2+8 करूंगा तो 10 बनेगा। बात समझ में आ गई मुश्तबा जुबैरी? ठीक है, तो जनाब अभी तक मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है NC2, फिर मैंने बताया कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला होता है NC2, और मैंने ये बताया के नंबर ऑफ लीग टूर्नामेंट मैचेस का फॉर्मूला भी NC2 होता है। सर ये NCR फॉर्मूला C3 के बाद अप्लाई होगा? नहीं बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 पे अप्लाई किया है। ठीक है शाहिब, आगे चलते हैं जनाब। अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बताएं इसका फॉर्मूला क्या होगा? NC3 होगा, बिल्कुल सही बताया, बताएं NC3 क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल 3 साइड्स नहीं, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, नहीं 3 साइड्स की वजह से नहीं,
थ्री पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि तीन पॉइंट्स से मिलकर ट्राइंगल बनना है। फॉर एग्जांपल एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीडी एक ट्राइंगल है, एबीई एक ट्राइंगल है, एबीएफ एक ट्राइंगल है, इसी तरीके से बीसीडी एक ट्राइंगल है, बीसीई एक ट्राइंगल है, बीसीएफ एक ट्राइंगल है, इसी तरीके से सीडीई ट्राइंगल है, सीडीएफ ट्राइंगल है, और इसी तरीके से डीईएफ ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई? थ्री साइड्स की वजह से नहीं, थ्री पॉइंट्स की वजह से। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है ये बात? सर स्क्वायर होता तो एनसी फोर जी, स्क्वायर नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल पूछेगा वो, अगर पूछेगा तो। कोर्स में नहीं है आपके, ट्राइंगल तक ही है। ठीक है, शुड आई मूव ऑन, आगे बढ़ जाऊं? अबू हुरैरा अगर क्लियर है तो चैट पे लिख दीजिए क्लियर है, और अगर कुछ पूछना है तो चैट पे लिख दीजिए। बेटा ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए बी एफ, इसी तरीके से ए सी डी, ए सी ई, ए सी एफ, ये सब ट्राइंगल्स हैं। ए डी ई, ए डी एफ, ए ई एफ, ये सब ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से डी डी ई, बी डी एफ, हम तीन पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। सर राइट कॉर्नर वाली बात, अच्छा बेटा एन सी जीरो मैंने बताया कि वन के बराबर होता है, एन सी वन बताया मैंने एन के बराबर होता है, एन सी टू मैंने बताया बराबर होता है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू के, टू फैक्टोरियल, एन सी थ्री बराबर होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाय, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल। फिर मैंने बताया कि अगर 4 और 8 देखें तो इनका सम 12 है, इसलिए इनके NCR बराबर होंगे। 3 और 6 का सम जो है वो 9 है, तो इसलिए इनके NCR बराबर होंगे। ये 2 है और ये 8 है, इनको सम करेंगे 10 बनेगा, तो इसलिए इनके NCR बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं जनाब। वापस आ जाइए यहाँ पर जनाब। जनाब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ साइड्स, तो बचाए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर? सिक्स है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमेशा कितनी होंगी? एन होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास साइड है, ये मेरे पास साइड है, ये जो है वो साइड है, ये भी साइड है, और बाकी सब क्या है? ये सब क्या है? बाकी सब डायगनल्स हैं। बाकी सब क्या है? डायगनल्स हैं। नहीं, अली सर्वर 15 नहीं है। तो डायगनल्स कितने हैं हमारे पास? डायगनल्स हमारे पास 9 है। तो हम ये भी कह सकते हैं डायगोनल्स निकालने के लिए
कि नंबर ऑफ लाइंस में से, हाँ भाई, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस में से माइनस कर दो नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स बच जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ लाइंस से सारी की सारी लाइंस आ जाएंगी, उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स बच जाएंगे? ये बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ लाइंस में से नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर दें। सर ये रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। देखो मेरे बच्चे, जब मैं नंबर ऑफ लाइंस निकालूंगा तो उससे सारी की सारी आ जाएंगी जो यहाँ लिखी हुई है, ग्रीन में भी और रेड में भी। ये बात समझ में आ गई? जब मैं नंबर ऑफ लाइंस निकालूंगा, नहीं बेटा, रिपीट वालों को तो काउंट करना ही नहीं है, वो तो कहानी खत्म हो गई ना। वो तो आपको समझाने के लिए बताया था कि ए बी और बी ए एक ही चीज है, तो डबल डबल काउंट करने की वैसी जरूरत नहीं है हमें, हम सिंगल काउंट करेंगे। इसीलिए हम एन कॉम्बिनेशन टू यूज कर रहे हैं, एन परम्यूटेशन टू यूज नहीं कर रहे। हमजा मुफ्ती, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा दोबारा से सुन ले सब। बेटा जब मैं नंबर ऑफ लाइंस निकाल रहा हूँ तो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो ये सारी होंगी। अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स की बात करूंगा तो वो रेड वाली होंगी, और अगर मैं नंबर ऑफ डायगनल्स की बात करूंगा तो वो हरे वाले होंगे। ये बात समझ में आ गई? क्या ये तीन बातें क्लियर हो गई सबको कि ब्लैक वाली नंबर ऑफ लाइंस है सारी की सारी? जी अली सरवर। रेड वाली जो है नंबर ऑफ साइड्स हैं, और ग्रीन वाली जो है वो नंबर ऑफ डायगनल्स है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो अब मुझे बताएं कि अगर मुझे ग्रीन वाली लाइंस निकालनी है तो टोटल है ब्लैक वाली, उसमें से रेड वाली माइनस कर दूं तो क्या ग्रीन वाली बचेंगी? तो इन शॉर्ट, अगर मुझे डायगनल्स निकालने हैं तो टोटल लाइंस में से मैं अगर साइड्स को माइनस कर दूं तो सिर्फ डायगनल बच जाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला था एन सी टू, और नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला था एन। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाय टू। तो नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए पूरा थियोरेटिकल फॉर्मूला याद करना चाहो तो पूरा इंग्लिश में फॉर्मूला याद कर लो भाई, नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स, या फिर आप कॉम्बिनेशन की फॉर्म में याद कर लो, और या फिर आप डायगनल्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। सर हम आर कैसे डिसाइड करेंगे कि कब आर क्या होगा? अभी तो टू चल रहा है भाई, जब आगे चेंज होगा तो समझा दूंगा, क्योंकि दो चीजों के कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम। ए बी एक वक्त में दो चीजें हैं, बी सी, बी डी, बी ई, डी ई, ई एफ, ये एक वक्त में दो दो चीजें हैं, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन के नीचे टू डाल रहे हैं। फुरकान, बात समझ में आ गई? जबकि ट्राइंगल के केस में नीचे मैंने थ्री रखा था क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स के हम सेट बना रहे थे। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ डायगनल्स निकालना आ गया सबको? नंबर ऑफ डायगनल्स निकालना आ गए सबको? इसको नोट करना तो नोट कर ले, मैं जरा अटेंडेंस ले रहा हूँ। शायद समझ में आ रहा है तो चैट पे लिखें। अच्छा जनाब, मैं उसैद से कह रहा हूँ, उजैर से नहीं,
भाई आपको तो समझ, जी सर समझ आ रहा है लेकिन ये पढ़ा नहीं पहले। हाँ कोई बात नहीं, वो कंटिन्यूशन में टॉपिक है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा भाई, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो NC2 थी, अबू हुरैरा NC2 थी, ये बात समझ में आ गई थी? फुरकान कह रहे हैं सर नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी शेप के अंदर वाली लाइंस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा NC2 थी अंदर वाली लाइंस, टोटल लाइंस, नंबर ऑफ साइड्स मैंने अभी आपको बताया था कि एन है, तो ये हमने माइनस कर दिया। कॉम्बिनेशन को अगर आप खोल लें, एलसीएम ले लें, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले में एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है हो रहा रहा, समझ आ गई हो रहा रहा? ओके आगे चलते हैं जनाब। अब हमारे पास लाइन की अगर हम बात करें, देखिए पॉइंट्स हमारे पास वही हैं छह, लेकिन यहां पर जो है वो ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है और यहां पर डी पॉइंट है। उसके अलावा एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट जो है वो एफ है। तो आप देखें कि ये जो है वो ई पॉइंट है और ये जो है वो एफ पॉइंट है। तो अगर हम बताएं आपको कि ए से जो डी की लाइन है वो बेसिकली ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, अगर मैं ए बी और बी सी को प्लस कर लूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई ए सी प्लस सी डी है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो ये कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी डी है। तो इन शॉर्ट ये सब एक ही लाइन है, ये बात समझ में आ रही सबको? ए से डी एक लाइन है, और ये सारे उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? अली सर्वर क्लियर हो गया, सबको क्लियर है? तो इसका मतलब जब मैं लाइंस कैलकुलेट करूंगा यहां पर, तो अगर मैं टोटल लाइंस निकालूंगा तो वो किससे आएंगी? वो आएंगी NC2 से। तो क्या वो सही आएंगी? हमारे पास तो जो लाइंस हैं वो हैं ए डी, ए एफ, बी ई, बी एफ, सी ई, सी एफ, डी ई और डी एफ और आखिर में ई एफ। कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है? 10 है। जबकि NC2 से निकालूंगा वो तो 15 आएंगी। तो आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है? गलत आ,
सबने इस बात को पहले समझ लिया कि आंसर गलत आ रहा है। क्या सबने इस बात को समझ लिया कि आंसर गलत आ रहा है? मैं जब इसको यूज करूंगा, 6 कॉम्बिनेशन 2 करूंगा तो आंसर 15 आएगा, तो गलत आ रहा है। सबको क्लियर हो गई ये बात? क्यों गलत आ रहा है? इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि एडी जो है वो एक लाइन है और इसके अंदर एडी जो है वो एबी को भी काउंट कर रहा है, एसी को भी काउंट कर रहा है, बीसी को भी काउंट कर रहा है, बीडी को भी काउंट कर रहा है, वो इन सबको काउंट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है ना। अगर वो इनको काउंट कर रहा है तो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है भाई। जब एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा? नंबर ऑफ कोलिनियर लाइंस को, जिसको मैं लिखूंगा एम सी टू। तो जनाब एन क्या हो गया? टोटल पॉइंट्स। एम क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर कोलिनियर लाइंस को माइनस करूंगा तो आंसर मेरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोलिनियर लाइंस ही मैंने ज्यादा काउंट कर ली थी, तो जो मैंने ज्यादा काउंट कर ली थी अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो क्या मेरा आंसर ठीक हो जाएगा? कोलिनियर लाइंस मैंने ज्यादा काउंट कर ली थी, क्या मैं अगर उनको माइनस कर दूं तो क्या आंसर ठीक हो जाएगा? तो ये 6 लाइंस मैंने माइनस कर दी यहां पर, तो जब मैंने माइनस करी तो क्या मेरा आंसर ठीक हो जाएगा? मेरा आंसर ठीक नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा +1, क्योंकि ये एक लाइन है, जब मैंने माइनस किया तो सारे माइनस हो गए, तो इसीलिए मुझे +1 करना पड़ेगा ताकि आंसर मेरा ठीक आए। जब मैंने माइनस किया तो सारे के सारे माइनस हो गए, ये देखे, जब मैंने माइनस किया तो सारे के सारे माइनस हो गए, मुझे सारे के सारे माइनस नहीं करने। ये कैसा क्वेश्चन है सर? बेटा नष्ट और प्यास वालों के लिए करवा रहा हूँ, एनडी के लिए नहीं आते ये चीजें। ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, न्यू मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करेंगे दोबारा से, यही मीटिंग ज्वाइन करेंगे।